सेंधवा एसडीएम कार्यालय परिसर में हुआ जमकर हंगामा। गुमशुदा विवाहिता की एसडीएम न्यायालय में आज मंगलवार को पेशी के दौरान महिला के पूर्व पति और परिजनों ने बच्चे दिए जाने की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। पुलिस की मौजूदगी में महिला के पति और परिजनों ने बच्चे दिए जाने की मांग को लेकर झूमा झटकी के साथ महिला से मारपीट की। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरला थाना क्षेत्र के ग्राम दुगानी निवासी बजरंग बारेला की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ करीब 7 से 8 महीने पहले आलोट जिला के रहने वाले चद्दर बेचने वाले रूढ़ सिंह के साथ चली गई थी और उसके साथ शादी कर ली। पति बजरंग ने वरला थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई थी। आज वरला पुलिस आलोट जिले से महिला व बच्चों को दस्तयाब कर सेंधवा एसडीएम न्यायालय पेश करने लाई थी। महिला अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने का कहने पर बच्चों को महिला के सुपुर्द किया गया। वहीं पहले पति और उसके परिजन एसडीएम न्यायालय पहुंचे और दोनों बच्चों को उन्हें देने की मांग करने लगे। जब पुलिस महिला और बच्चों को ले जाने लगी, वहीं पति और परिजनों ने महिलाओं को रोक लिया और झूमा झटकी करने लगे। पुलिस की मौजूदगी में परिजन बच्चों को दिए जाने के लिए हंगामा करने लगे और झूमा झटकी के साथ महिला से मारपीट करने लगे। पुलिस महिला को बचाने का प्रयास करने लगी। परिजन और पति महिला को झूमा झटकी करते हुए सेंधवा एसडीएम कार्यालय से सेंधवा न्यायालय के सामने वाले रास्ते पर ले गए। शहर थाना से अतिरिक्त बल पहुंचा और जैसे तैसे परिजनों से महिला को छुड़ाकर पुलिस वाहन में बैठाकर थाने की ओर ले गए और महिला और बच्चों को उसके वर्तमान पति के साथ सुरक्षित भिजवाया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और लोगों की भारी भीड़ भी लग गई। परिजन और पति बार बार बच्चे देने की मांग करने लगे। बरला थाने का मैटर था, एसडीएम कार्यालय में बयान के लिए लाए थे महिला को और उसकी पहले शादी हुई थी, वहाँ से दूसरी जगह शादी कर दी थी। तो उनके जो पहले शादी थे उनके पति आए थे कि मतलब मैं ले जाना चाहता हूँ, उसी बीच उनका आपसी में विवाद हो गया था। तो मौके पे पुलिस पहुँची और सभी को रुखसत कर। कोई चोटिल हुआ है सर? चोट किसी को नहीं लगी वहाँ पर, क्योंकि मौके पर पुलिस पहुँच चुकी थी। अपराध दर्ज हुआ है सर किसी मामले? अपराध तो कोई पंजीकृत नहीं हुआ है, क्योंकि पारिवारिक मैटर था और समझाइश दी और उन्हें रुखसत कर दिया। थैंक यू सर।